आईसीसी के इवेंट में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को देखने मिलता है, और दुनिया में सबसे मोस्ट व्यूड गेम है वो पाकिस्तान और इंडिया का, और एक्साइटमेंट तो होती है। लेकिन जिस तरह से अभी ये वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ है, और पाकिस्तान ने जो पहला मैच यूएसए के खिलाफ हारी है, पहले तो वो हार गई थी अपना, भले सुपर ओवर नहीं हुआ था तभी हार गई थी, क्योंकि यू कैन नॉट, आप जब सुपर ओवर तक गेम ले गया तो इसका मतलब एसोसिएट कंट्री ने आपको पूरा धो दिया है, फिर सुपर ओवर में आपको उन्होंने फेल दिया। तो पाकिस्तान तो अंडर प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान का एक है कि अंडर प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है, वो अंडर प्रेशर की टीम है ना, क्योंकि उनको पहला मैच हारे है और उनको पता है कि यार अगर अभी हम हार गए, इफ यू लूज एनीथिंग वी आर गॉन, एग्जिट हो जाएगा। और इंडिया, क्योंकि इंडिया ने अच्छी चीज ये की थी कि मैच के लिए एक्साइटमेंट है, लोग बहुत वो है, फ्यूरियस है, न्यूयॉर्क का विकेट ड्रॉप इन विकेट दली हुई है, उस विकेट की बहुत चर्चा हुई है कि वो विकेट अच्छा नहीं है, विकेट में क्योंकि वो बाउंस जो है वो आगे से उठ जाता है, सीम होता रहता है, निबल होता रहता है पूरे दिन उसके ऊपर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि टॉस जीता बॉलिंग करेगा वही जीतेगा। कल भी आपने मैच देखा होगा कि कनाडा ने जिस तरह से बैटिंग करी पहले, तो उससे विचार थोड़ा डिफरेंट हो गए होंगे लोगों को, नहीं यार इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले आप बॉलिंग करो तो ही आप जीत सकते हो, आप अच्छी अगर शुरू में बैटिंग करते हो 140 50 60 रन करते हो उस विकेट पे, इट्स नॉट इजी टू चेजेबल एज वेल। तो दोनों सिनेरियो है, क्योंकि इंडिया ने वहां पर अपने मैचेस खेले हैं न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, देखे पाकिस्तान ने बहुत, एक तो एक अना का मसला, इनकी अना खत्म नहीं होती है, एक तो एक बहुत बहुत बड़ा मसला है, फिर इनकी नीयतें साफ नहीं है, नीयतें साफ नहीं है, फैमिली रिश्तेदारों पे टीमें बनाते हैं, कंट्री का सोचता नहीं है कोई, तो टीम ऐसे नहीं बनती है भाई, सीधी बात है, ज्यादती करोगे लड़कों के साथ, लड़कों के कैरियर के साथ ज्यादती करोगे तो रिजल्ट आपको यही देखने मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो हुआ पहले मैच में होना चाहिए था और सही हुआ बिल्कुल। देखिए यूएसए में क्या है, क्रिकेट इंप्रूव हो रही है, यूएसए के लिए बहुत अच्छी चीज है कि यूएसए में प्रमोट होगी क्रिकेट, यूएसए के लिए फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त काम हुआ है कि पाकिस्तान को मारा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लीग्स खेली जाती है, सारे प्लेयर आके खेलते हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा, और इन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। आई विल गिव फुल क्रेडिट टू द यूएसए क्रिकेट टीम, द मैनेजमेंट, द वे दे वर्क एंड वे द मोनक पटेल वॉज फार मोर बेटर कैप्टन देन बाबर आजम। हाँ बिल्कुल। उसने कैप्टनसी अच्छी की, उसने एग्जीक्यूशन अच्छा किया, और इसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा है। क्योंकि आप देखें इंटेलिजेंट नथरवालकर को उन्होंने सुपर ओवर करवाया, उनके पास अली खान था 145 क्लिक जो अपना आईपीएल खेला हुआ है, कैरेबियन लीग खेलता है, लेकिन वो लेफ्ट आर्म से गए जिसकी लिमिटेशन जिसको पता है, वो भी अंडर अंडर 15 अंडर 19 शायद इंडिया से खेले हुए हैं, नथरवालकर के बिल्कुल साथ खेले हुए हैं, और जिस तरह की फील्डिंग थी यूएसए की, यूएसए फील्डिंग वाज फार मोर बेटर देन पाकिस्तान। इफ्तिखार साहब से भागा नहीं जा रहा, सुपर ओवर में वाइडे कर रहा है मोहम्मद आमिर, रिजवान से बॉल नहीं पकड़ा जा रहा, वो ओवर थ्रो के 2 रन ले जाते हैं, इफ्तिखार साहब भाग नहीं सकते। तो आप देखे कि ये सारी चीजें जब होती है तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि यार ये की टीम है कि कोई मोहल्ले की टीम लेके आए हुए हो। और सबसे सोने पर सुहागा, इन्होंने बोला यार यूएसए जा रहे ग्रुप में, ठीक है अगर हम इंडिया से भी हार गए तो बाकी टीमें तो हल्की ना मार देंगे, भाई यूएसए में खेल रहे हो आप क्रिकेट, यहाँ की कंडीशंस का आपको पता नहीं है, आप 2 दिन पहले आते हो, आप जाके खेलते हो इंग्लैंड और आयरलैंड, आयरलैंड वाले मारते हैं आपको, बेइज्जत करते हैं, फिर इंग्लैंड आपको बेइज्जत करती है, इंग्लैंड कंडीशन में खेलते हो, फिर आके यहाँ बोलते हो कि हमें हमें वार्म अप मैच खेलने की जरूरत नहीं है, तो ये बाकी टीम है पागल है। तो जो इंडिया ने पूरा आईपीएल खेला, 2 महीने आके यहाँ पर सेटल हुई, 1.5 महीने से बांग्लादेश इधर आई हुई है, वो यहाँ खेल के गई, कि कंडीशन यहाँ पर गर्मी की जो फेरनहाइट है ना वो जाता है 100 के ऊपर, पारा जो जाता है गर्मी का 100 के ऊपर जाता है, तो वो तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। डैलस में जो गेम हुआ था, डैलस के अंदर, डैलस में गर्मी क्योंकि अभी समर है, और यहाँ पर जो है वेदर की अगर आप मैं बात करूं ना तो 100+ जाता है, और उस दिन 104 था, तो कहाँ खेलोगे भाई। एक तो आप बबलू टाइप लोगों को खिलाते हो, पता नहीं लेके कहाँ से आते हो कि इस टाइप के प्लेयर के, मतलब मजाक मजाक होता है यार, मजाक बन चुका है, पूरी सोशल मीडिया सब जगह मजाक बन चुका है। ठीक है मोइन खान वॉज अ बेटर प्लेयर, वो अच्छे क्रिकेटर था, लेकिन ये नहीं कि आप जिसको भी लाके टीम में रख दोगे। यार बाबर आजम, एक और बात, बाबर आजम लोग बहुत बात करते हैं ना, जैसे वो रन कर देता है 100, अगले दिन आ जाता है मीडिया में, विराट कोहली के साथ कंपेयर करो, अरे जूते बराबर भी नहीं आता भाई, जूते बराबर भी नहीं आता, वो यूएसए के बॉलर्स ने उसको फंसा के रखा हुआ था, उससे रन नहीं बन रहे थे, बिल्कुल अपने रन हो गए 40 44, उसके बाद बोला कि भाई फारिक हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ, खेलता ना। पाकिस्तान को तो ये वन साइडेड मैच जीतना चाहिए था।
जितने बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप सारे जीते हुए हैं, सब कुछ है, नाम है क्रिकेट की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है, तो पाकिस्तान ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, लेकिन जब आप ऐसी परफॉर्म करते हो तो इट्स लुक्स वेरी बैड, मतलब शेम, मतलब कि यार ये क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड होगा जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ओके. और मुझे लग रहा है कि कल विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये मतलब करेंगे, मतलब कि देखिए पाकिस्तान ये कल मैच, यार मुझे आई डोंट नो, आई हैव अ गट फीलिंग, प्रिडिक्शन है, गट फीलिंग है कि ये मैच कल का जाएगा सुपर ओवर में, दोबारा अच्छा. सुपर ओवर में जाने की है संभावना, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम हो रहा है, तो लो स्कोरिंग में सुपर ओवर में जाने की बड़ी संभावना है कि हो सकता है सुपर ओवर चला जाए, सुपर ओवर में जाके फिर भी इंडिया जीतेगा, क्योंकि इनके पास देखे ना, आप आपके पास होना चाहिए कि आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए कौन से प्लेयर है। अभी आजम को क्या करेंगे, लेके तो आ गए, जितनी हो गया है, जो जो कुछ हो गया यूएसए के खिलाफ, अभी आई डाउट कि उसको खिलाएंगे, आई वो टूर एंजॉय करेगा, सिर्फ इमाल आ जाएगा। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि पाकिस्तान के बीच का बॉलर कोई नहीं है जो बीच में आउट कर सके, शादाब से बॉल नहीं हो रहे, वो शादाब कॉन्फिडेंस है, या शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाना है, या तो फिर अबरार को लेके आए जो डिफरेंट है, लेकिन ये प्लानिंग सब होती है 1 साल पहले होती है, आपने प्लानिंग कुछ नहीं की, क्योंकि इंडिया ने प्लान किया हुआ है, इंडिया के पास प्लान है, इंडिया ने टीम बनाई है, शुभम दुबे आया है, हार्दिक पांड्या है, डीप तक बैटिंग जाती है, जद्दू आ जाता है, अक्षर है उनके पास, चहल है, तो बैटिंग तो डीप जाती है, इंडिया को सिर्फ ये देखना है कि नया बॉल पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी करता है, ठीक है ना, मोहम्मद आमिर करेगा, खब्बे हैं, खाली इंडिया की एक 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 वीकनेस है, वो है लेफ्ट आर्म पेस जब बॉल अंदर लेके आता है तो वहां पर वो कैची बना लेते हैं, वो कैची को रोकना है, अगर उन्होंने वो कैची को रोक लिया, 2-3 ओवर सर्वाइव कर दिए उसके ऊपर, तो इंडिया बड़ा स्कोर कर देगा। मोदी साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने जिस तरह काम किया है दुनिया में, उनका नाम हो गया है, फिर से वो आ रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम, तो ये है, फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो दोनों चीज होगी, तो ये जबरदस्त हो जाएगा, वहां इंडिया जीतेगा, वहां मोदी साहब वापस से वहां जाएंगे, तो इट विल बी अ डबल 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 खुशी हो डिलाइट. जाएगी, डबल डिलाइट बिल्कुल. हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के यार देखे, जब आप ज्यादतियां करोगे ना, ऊपर भी एक जात बैठी हुई है, वो नाराज होती है, क्योंकि आप किसी का हक मारते हो, वो आप जिसका हक मारते हो ना, तो फिर वो उसका आपको सिला ऐसे देते, नहीं कहता हूं कि इन्होंने वो किया, लेकिन आपने ज्यादतियां की है, लड़कों के साथ ज्यादतियां की है, लड़कों के कैरियर के साथ ज्यादतियां की है, 90% आप देखें कि आधे से ज्यादा यहाँ पर क्रिकेटर आ गए यूएसए के अंदर, आप देखेंगे अगले साल यूएसए की जब टीम बनेगी, यू विल सी पास के जो टेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान के वनडे प्लेयर है, वो यूएसए की टीम में खेल रहे होंगे, बिल्कुल. ऐसा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने किया ऐसा है, आप लोगों ने कैरियर तबाह कर दिया, आप लोगों ने लड़कों को कैरियर बनाया ही नहीं है, आप लोगों ने कैरियर रिस्पेक्ट नहीं दी है, मतलब एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वहां रियाज, सेलेक्टर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया, अजहर महमूद आ गया, कामरान अकमल सेलेक्टर हो गया, मतलब कौन से कहां से लेके आते हैं भाई, कहां से लेके आते हैं रजाक है, मतलब ये सब ठीक है यार, लेकिन ये वो चीज ऐसे नहीं चलता है भाई, मतलब आप लोगों ने यूसुफ आ गया, यूसुफ भाई काफी टाइम से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को तो सही करो ना यार, सिस्टम ही सही नहीं है, सिस्टम ही बेड़ा गर्क हो चुका है।